नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 9 फरवरी है और आज संडे का दिन है। राहु काल का समय रहेगा इवनिंग का 4:15 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का। और आज बात करेंगे आप लोगों के लिए राशियों के, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज माघ मास की पूर्णिमा तिथि है। बहुत ही खास दिन होता है माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर त्रिवेणी में स्नान करना, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत खास माना जाता है। अगर आप कहीं जा करके गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ त्रिवेणी में स्नान करना एक खास महत्व रखता है। कहते हैं कि इस दिन खासतौर पर माघ मास की पूर्णिमा तिथि वाले दिन भगवान विष्णु जो हैं वो गंगा नदी में वास करते हैं। इसीलिए जो इंसान भी गंगा नदी के जल को स्पर्श करता है, समझ लीजिए उसने भगवान विष्णु को स्पर्श कर लिया। ऐसा करने से उसके जीवन भर के पाप खत्म हो जाते हैं, साथ ही में रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो इसलिए माघ मास की पूर्णिमा तिथि बहुत खास मानी जाती है। अगर मान लीजिए आप कहीं जा नहीं सकते हैं तो आप घर में ही जो गंगा जल होता है उसे नहाने के पानी में मिलाइए और उसके बाद उसे स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन में संडे का दिन है, लाल पुष्प डाल करके नहाने के पानी में स्नान करने से आपका सूर्य मजबूत होगा। आज सुबह उठ करके सूर्य देव को जल जरूर दें। अगर आप किसी पवित्र स्थान में हैं या मान लीजिए अगर आप प्रयागराज में हैं, आप त्रिवेणी में हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर के गंगा नदी के सामने सूर्य नमस्कार करने से भी आपका सूर्य मजबूत होता है। इसके अलावा बात करें, क्योंकि आज दान करने का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है, माघ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है, क्योंकि माघ का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है, इसकी पूर्णिमा तिथि जब पड़ती है तो इस दिन खासतौर पर आप दान ज़रूर किया कीजिए। इस दिन आपको आप कपड़े का दान कर सकते हैं, किसी नीडी पर्सन को आप लोग खाने के सामान, खाने की वस्तुओं का दान किया जा सकता है। आज के दिन में आप खासतौर पर सतनाजा जो है उसका दान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका दान आज के दिन में खास रहेगा। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी आज के दिन में आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए राशियों की और जानते हैं आज का दिन कैसा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। तो आज के दिन में दिन बेहतर रहेगा, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, काम के सिलसिले के जो नतीजे हैं वो आज आपको अच्छे मिलेंगे और हो सकता है थोड़ा जल्द ही मिले। चीज़ों में डिलेज नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्थानांतरण का योग भी बन रहा है, दैट मीन्स ट्रांसफर का योग बन रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए डरने की बात नहीं है क्योंकि वो स्थानांतरण आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इनकम आज आपके दिन में ठीक नज़र आ रही है, जीवन में भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ पर आपके जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं उसमें आपको धीरे धीरे करके सफलता ज़रूर मिलेगी। आज यात्राएं सफल रहेंगी, पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का माहौल रहेगा। और अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की तो उसमें सामान्यता दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी आपको अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी बातें थोपनी नहीं है उनके ऊपर। कोशिश कीजिए एक स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ने दें। मेष राशि वाले लोग आज के दिन में उपाय क्या करेंगे, आपको सुबह उठ करके सबसे पहले विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। कोशिश कीजिएगा आज सूर्य को जल देंगे तांबे के लोटे से। वृषभ राशि की बात करते हैं, द मजिशियन एंड 7 of Cups कार्ड निकल रहा है। आज आपके लिए निर्णय लेने की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पर बेहतर दिखाई दे रही है। लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा और लोगों के आइडियाज़ आपके लिए बेहतर रहेंगे। आज कुछ लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके आइडियाज़ से, आपकी जो सोच है उससे सहमति नहीं दिखाएंगे, तो ऐसे लोगों को हो सकता है कन्विंस करना पड़ जाए। वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं पीछे से थोड़ी बहुत उथल पुथल वाली नज़र आ रही है, लेकिन उसको स्टेबल करने के लिए आज थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आपकी योग्यता जो है उस पर भरोसा ज़रूर रखें, अपने कैलिबर पर भरोसा ज़रूर रखें और आज आत्मविश्वास को एक मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बात करें अगर आपके लिए घर परिवार की, तो उसमें प्रसन्नता दिखाई दे रही है और आपके घर के जो वरिष्ठ जन हैं वो आपका मार्गदर्शन आज ज़रूर करेंगे। उपाय की बात करी जाए तो आज गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करेंगे और साथ ही में सूर्यदेव को जल देंगे। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं 8 of Swords and 4 of Pentacles। तो आज के दिन में दिन सामान्य रहेगा, व्यापार के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए या तो नई नौकरी मिल सकती है या इंटरव्यूज प्लान अप किए हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से मिल सकते हैं। पारिवारिक दिक्कतें जो हैं वो खत्म होंगी। आज मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हो सकता है आप इधर उधर चीज़ों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में अपने जो एम है, अपना जो टारगेट्स है, उससे आप अपना भटकाव कर लें। तो ज़रूरी है थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण रख के चलिए। इसके अलावा मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज अच्छा रहेगा, किसी भी तीर्थ स्थान पर या किसी भी नीडी पर्सन को किसी मंदिर में, किसी स्पिरिचुअल प्लेस में आज अन्न का दान जरूर करें। कर्क राशि, 9 of Swords and the Hermit कार्ड निकल रहा है आपके लिए। आज दिन बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है, आर्थिक उन्नति दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, साथ ही में मान सम्मान भी मिलेगा समाज में, नौकरी में प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, कार्यस्थल पर चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी, आय में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आज किसी भी तरीके का रिस्क लेने से बचना चाहिए कर्क राशि वाले लोगों को। इसी के साथ उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
सिंह राशिद, जस्टिस एंड द एम्प्रेस कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए आज का दिन बेहतर गुजरने वाला है। पहले से आय में बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ रही है। धन की अगर कहीं ना कहीं पे कोई अच्छा जरिया आपको मिल रहा है, कोई अच्छी इनकम सोर्स मिल रही है, तो उस पर एक बार सोचिए ज़रूर। बिना सोचे समझे किसी चीज़ को मना कर देना, रिजेक्शन अच्छा नहीं है। आप आज के दिन में चीज़ों को, अपने आसपास की सिचुएशंस को बहुत आसानी से हैंडल आउट कर लेंगे, समाधान भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आज मित्रों का सहयोग हो सकता है थोड़ा कम मिले, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पर आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको डिच कर जाएं, तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा आँखें बंद करके विश्वास किसी के ऊपर भी आज मत कीजिएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज उपाय रहेगा, सुबह उठ करके सूर्य को जल देंगे तांबे के लोटे से। इसके अलावा किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाकर के तांबे का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा अगर तांबे का दान आप किसी घंटे के रूप में करें, जो कि उस धार्मिक स्थान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मंदिर के उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, उनका दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए आज के दिन में खरीदारी जो है वो खत्म हो सकती है। हो सकता है शादी के लिए या आप लोग किसी मांगलिक कार्य के आयोजन के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करें। कुछ मामलों में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन्स आज के दिन में रह सकते हैं। अपेक्षित कार्य जो है उसमें विलंब की वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटीज़ रहेंगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, अटका हुआ पैसा लेकिन आपको वापस ज़रूर मिल सकता है। व्यवसाय पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। आज ये जो अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही थी वो कहीं ना कहीं पे आप रिजॉल्व आउट करते हुए नज़र आएंगे आपको। चलिए बात करते हैं लिब्रंस की, द स्टार एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो पूरा ही दिन भर जो है वो उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। अपने स्तर पर आप अपने तरफ से बहुत बेहतरीन प्रयास करने वाले हैं और जिसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, उन्नति का मार्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। आज रिलेशनशिप्स के लिहाज से दिन बेहतर रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। घर वालों के व्यवहार में काफ़ी हद तक आपके लिए सपोर्ट नज़र आएगा। उपाय क्या करेंगे आज तुला राशि वाले लोग, कोशिश करेंगे सुबह उठ करके आप लोग सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार करें, ओम मंत्र का उच्चारण करें। इसके अलावा आज संध्या काल के समय अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लैवेंडर एसेंस या रोज़ का आपको जो एसेंस है उसका इस्तेमाल करना है। उसे आप या तो कोशिश कीजिएगा आप एसेंस के फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर इस एसेंस का आप दीपक जलाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए आज लाभ के अवसर आपको मिल सकते हैं, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। धन के मामले में दिन बेहतर रहेगा, लेकिन विरोधी जो है उनका प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। नए लोगों से मुलाकात दिखाई दे रही है जो कि व्यवसाय में लाभकारी हो सकती है। कहीं ना कहीं पर स्वादिष्ट भोजन की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। उपाय की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले लोग आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा है, आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। धनुराशि, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए करियर को लेकर कोई अच्छा ऑप्शन आज आपको मिल सकता है। बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर दिखाई दे रहा है, आपको टीचर्स का सहयोग मिलेगा, आपके मेंटोर्स आपको मार्गदर्शन जरूर करेंगे, जीवन में स्थिरता बनती हुई नज़र आ रही है। उपाय क्या करना होगा आज के दिन में, भगवान विष्णु को इत्र अर्पित करना आपके लिए अच्छा है, रिश्तों में मजबूती लेकर के आएगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आज के दिन में जो परियोजनाएं हैं उसमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, आर्थिक रूप से चीज़ें आपके लिए स्थिर रहेंगी। पारिवारिक जीवन खासतौर पे आज के दिन में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, उत्सुकता बनी रहेगी। आप अपने मन में शांति और धैर्य बना करके जरूर रखें, क्योंकि जो भी रिजल्ट मिलने में देरी आ रही है वो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, ग्रेजुअली आप ग्रोथ करेंगे, तो इसलिए अभी जल्दबाजी दिखाना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन में भगवान विष्णु को सर अर्पित करना आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि, काज निकल रहे हैं फाइव ऑफ वॉन्स एंड एट ऑफ वॉन्स के। आज के दिन में दिन सामान्य रहेगा, कार्य की व्यस्तता की वजह से आज थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी लेकिन अपनी भावुकता पर नियंत्रण रख के चले। कुंभ राशि वाले लोग आज बहुत ज़्यादा इमोशंस में आकर के किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। करियर के चुनाव के लिए किसी की सलाह ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है लेकिन तब भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो ज़रूरी है एक सेल्फ डिपेंडेंसी को मेंटेन ज़रूर कीजिए, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन ज़रूर कीजिए। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज लैवेंडर एसेंस का प्रयोग करना अच्छा रहेगा, या फिर आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी इमोशनल जो अनस्टेबिलिटी है वो खत्म होगी। मीन राशि, द लवर्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में कोई बड़ा कार्य जो है वो बेहतर हो सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लाभ में वृद्धि होगी,
यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन आज कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है आपको अपने रिलेटिव्स की तरफ से, कोई फ्रेंड्स की तरफ से। नौकरी में जो आपके अधिकार हैं वो बढ़ सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। घरेलू खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। अपने परिवार को समय देना आज अच्छा है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आज उपाय ये रहेगा, सुबह उठ करके सबसे पहले सूर्यदेव की उपासना करनी है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। साथ ही में कमलगट्टे की माला से आज कोशिश कीजिएगा गायत्री मंत्र का भी जाप करना, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सबको माघ मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।